Hello friends, this is Sangam Puri and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Zoamites sachet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सैचेट आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी सैचेट यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी सैचेट लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Zoamites सैचेट। फ्रेंड्स, Zoamites सैचेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शेड्यूल एच कैटेगरी का सैचेट है जिसका इस्तेमाल मेल में होने वाले इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कहता है। मान लीजिए अगर कोई मेल है, ठीक है, पुरुष है, उसमें इनफर्टिलिटी की शिकायत है तो उसको ठीक करने के लिए इस सैचेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला शेड्यूल एच, तो शेड्यूल एच कैटेगरी का मैंने इसे सैचेट बताया। इसका शेड्यूल एच कैटेगरी कहने का अर्थ ये हो रहा है कि इस सैचेट को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की पर्ची की जरूरत पड़ेगी। सिंपली ये समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का अर्थ क्या होता है? तो डियर व्यूअर्स, हमारे जो बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, या पोषक तत्व की जरूरत होती है। तो मान लीजिए हमारे बॉडी में जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर आपको मिनरल्स में आ गए, जिंक हो गया, ये सब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में पोषक तत्व की तरह रहते हैं। अगर उसकी कमी हो जाए तो जो उसको फुलफिल करेगा, तो उस वैसे सारे मेडिसिन को, चाहे वो सैचेट हो, टैबलेट फॉर्म हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म हो, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो सिंपली ये समझिए डियर व्यूअर्स कि कोई भी वैसा सैचेट, ठीक है, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को आपूर्ति करे, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को ठीक करने का काम करे, पोषक तत्व की जो कमी है, ठीक है, उसको ठीक करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी सैचेट को मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को, इस सैचेट को मैन्युफैक्चर करती है। सैचेट कहने का अर्थ था पुड़िया, ठीक है, पुड़िया के टाइप में है ना। तो फ्रेंड्स, इस सैचेट को सील्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस सैचेट इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सील्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक सैचेट 7 ग्राम का था, कितना, 7 ग्राम का था, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग आपको 80 से लेकर 90 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है वो समय के अनुसार हमेशा चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी सैचेट को मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक सैचेट कितने ग्राम का था और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस सैचेट। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो सैचेट आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। फ्रेंड्स, सैचेट के पीछे बहुत ज्यादा डिटेल्स दिए हुए रहता है कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है, लेकिन जो मैं अभी मॉलिक्यूल्स बताने जा रहा हूँ वो सैचेट के ऊपर सामने वाले भाग में दिया रहता, जो कि इंपॉर्टेंट उसका मॉलिक्यूल्स है। क्या है? इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पर विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तीन चीज का ये मिक्सचर होता है, विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट, ये तीनों का मिक्सचर होता है, याद रखिएगा। अब चलिए अब जरा मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस सैचेट को खरीदेंगे तो इस पर आपको देखेंगे सामने में जो सैचेट होगा सामने से, ठीक है, एकदम इन फ्रंट जो होगा, इन फ्रंट में देखेंगे तो पहला उसमें यूबीक्विनोन, क्या होगा, यूबीक्विनोन। फिर कहते हैं मायो आइनोजिटॉल या मायो आइनोसिटॉल भी लोग बोलते हैं, मायो आइनोसिटॉल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं लाइकोपिन, इसमें क्या होगा, लाइकोपिन होगा। फिर कहते हैं टॉरिन, इसमें टॉरिन होगा। फिर कहते हैं विटामिन D3, क्या होगा, विटामिन D3। फिर कहते हैं मिनरल्स, क्या होगा, मिनरल्स। फिर कहते हैं अस्टाजेंथिन, अस्टाजेंथिन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कुछ इसके मेन जो इंपॉर्टेंट
इसके मोलिक्यूल्स है जो कि सैचेट के ऊपर सामने वाले भाग में लिखा रहता है, और यही सारे मेन मोलिक्यूल्स है इसके सैचेट के अंदर। लेकिन अगर सैचेट का पीछे वाले भाग में देखेंगे तो एल आर्जिनिन भी रहेगा और सारे भी है, लेकिन ये मेन है इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सैचेट पर जो जो मेन मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो आपको अच्छे से समझ में, इतने सारे मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। पहला मैंने बताया यूविक्यूनॉल, मायोइनोजिटॉल, फिर विटामिन D3, लाइकोपीन, टॉरीन, मिनरल्स और अस्टाजेंथिन। ये सब मिलकर क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को क्या करता है, बूस्ट करता है, हेल्थ को बढ़िया करता है, अच्छा करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस सैचेट के अंदर कौन कौन से मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, या डॉक्टर कब इनको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, यूसेज ऑफ दिस सैचेट, की सैचेट की यूसेज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर वन इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ लो स्पर्म काउंट, कि अगर कोई मेल है उसका जो स्पर्म काउंट टेस्ट हुआ है, ठीक है, स्पर्म काउंट का टेस्ट हुआ है, अगर वो कम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए इस सैचेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल, कि अगर पुरुषों में बाचपन की समस्या है, ठीक है, इनफर्टिलिटी की समस्या है, खासकर पुरुषों, महिलाओं में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो सैचेट होता है पुरुष में ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं में इस्तेमाल नहीं किया जाता है जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल, कि अगर कोई मेल है उसमें इनफर्टिलिटी की शिकायत है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया ड्यूरिंग या आफ्टर डायलिसिस, कि अगर डायलिसिस के दौरान होता क्या है, जो फिल्टर किडनी करता है वो कैल्शियम को कहीं ना कहीं बाहर निकाल देता है, ठीक है, तो उस समय कैल्शियम कम हो जाता हमारे बॉडी में, तो कहीं ना कहीं डायलिसिस के दौरान कैल्शियम की कमी को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग डायलिसिस भी इसका दिया, अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है और उस समय मतलब चार बार तीन बार अगर डायलिसिस होना हो, ठीक है, तो उस बीच में भी इसको दिया जाता है ताकि कैल्शियम की कमी ना हो। तो ड्यूरिंग डायलिसिस भी इसका इस्तेमाल किया जाता है या आफ्टर डायलिसिस के बाद भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि कैल्शियम की कमी ना हो। फिर ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12 डिफिशिएंसी, कि अगर किसी के बॉडी में विटामिन B12 डिफिशिएंसी की कमी है, मतलब B12 डिफिशिएंसी से क्या हुआ कि नस में प्रॉब्लम हुआ, टिंगलिंग टाइप का रहेगा, नंबनेस टिंगलिंग होगा, जैसे अब सर्वाइकल नस हो गया, यहाँ गर्दन के आसपास में नस, उसमें जलन होगा, दर्द होगा, फिर पैर के आसपास में जो नस होगा उसमें जलन होगा, दर्द होगा, तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी जिसमें नर्व डैमेज होता है जिसके कारण, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी को भी मेंटेन रखने के लिए इस सैचेट का इस्तेमाल किया जाता है, अगर किसी का बीपी ज़्यादा हाई हो गया हो तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इस सैचेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रेडिकल, कि फ्री रेडिकल को होने का क्या होता है कि हमारा जो स्किन है उसमें झुर्री पड़ जाता है, क्या होता है, झुर्री हो जाता है, तो फ्री रेडिकल जैसे आपको स्किन लटक जाएगा, स्किन का जो सॉफ्टनेस है वो खत्म, लाइटिंग है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, चमक है जो ग्लो आप कह सकते हो वो खत्म हो जाता है, तो फ्री रेडिकल को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस, कि अगर आपको शरीर में कोई वीकनेस भी है, जनरल वीकनेस है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बात को आपको बखूबी ख्याल रखना है कि इसका इस्तेमाल जो मेनली जो होता है पर्पज, ज़्यादातर लोग डायलिसिस, ड्यूरिंग डायलिसिस या आफ्टर डायलिसिस के दौरान करते हैं, या इनफर्टिलिटी इन मेल, कि मेल में अगर लो स्पर्म काउंट है और इनफर्टिलिटी की शिकायत है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें अच्छे से आपको समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है तो हमारे हेल्थ को ही बूस्ट ही करेगा, क्या करे, बढ़िया ही करने का ये काम करेगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी सैचेट टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी ये सैचेट आपको नहीं देना, इस बात को आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, लेडी के लिए को तो देना ही नहीं, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर, कि अगर कोई पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। फिर कहते हैं पेप्टिक अल्सर, कि अगर कोई पेशेंट पेप्टिक अल्सर का शिकार है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये चार कंट्राइंडिकेशन होते हैं, इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी सैचेट होते हैं एलोपैथिक में कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर वन इसमें नौजिया, आपका जी मिचलाएगा,
फिर कहते हैं एब्डोमिनल पेन, हो सके आपको पेट में दर्द होगा। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, आपका जो पेट है वो क्लियर नहीं होगा, कब्जियत हो जाएगा। फिर कहते हैं ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो सूखने लगेगा, क्या कहा मुंह सूखने लगेगा। फिर कहते हैं हाइपर कैल्शियमिया, हो सकता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा, बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, ये एक्सेसिव कैल्शियम आप कह सकते हो इन योर बॉडी या इन योर ब्लड वो ज्यादा हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है, इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे सैचेट को लिखेंगे या प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके इसके डोज के बारे में, इसका डोज देते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति की उम्र, मैंने हमेशा बताया कि डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवरिटी पे और जेंडर पे, और इनफर्टिलिटी इन मेल है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं इस इनफर्टिलिटी इन मेल कब होगा, जब उम्र किसी का 18 प्लस होगा 20 प्लस होगा तभी। तो इसका जो इस्तेमाल होता है समझो कि वन सैचेट ओडी, एक सैचेट आपको रोज लेना है विद मिल्क, वन ग्लास ऑफ मिल्क या अ कप ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध के साथ लेना है या एक कप दूध के साथ लेना है या एक ग्लास दूध के साथ ले, इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं और इसे जूस के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर फूडिंग या आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद आपको इसको लेना है, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना। सिंपली समझिए कि इसके पीछे अगर सैचेट को आप पीछे पलट के देखेंगे तो उसमें डायरेक्शन जो है लिखा हुआ है कि आपको कैसे लेना है, ग्लास दूध के साथ ले सकते हैं या जूस के साथ ले सकते हैं या पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद इसमें डायरेक्शन बताया गया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया, और जोवामेट सैचेट क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं, और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।